गत चुनावी साल में मध्य प्रदेश में नेताओं के तेवर तीखे और जमावट वाले होते हुए नजर आ रहे हैं। कई सालों में पार्टी की उपेक्षा का शिकार हो रहे मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने नारायण को कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया है। वहीं कांग्रेस का एक पक्ष बीजेपी के विधायक को पार्टी में लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी बनाकर विंध्य क्षेत्र की सभी 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया। उनके तेवरों से बीजेपी के रणनीतिकार परेशान है। उधर कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि कांग्रेस में उनके दरवाजे खुले हैं। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस ज्वाइन कर प्रदेश की जनता के हितों के लिए संघर्ष करें। मेरी नारायण त्रिपाठी जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के साथ ही नारायण त्रिपाठी के बगावती स्वर सामने आने लगे थे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके तेवरों में कमी आई, लेकिन पार्टी में उपेक्षा का शिकार होने लगे। पिछले 3 सालों से पार्टी के किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। अपनी उपेक्षा से दुखी बीजेपी विधायक ने पहले कांग्रेस में अपनी संभावनाएं तलाशी, लेकिन उनकी राह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह बड़ा कांटा बन गए। अजय सिंह और उनके समर्थक नहीं चाहते कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आए, इसी वजह से नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि संगठन में विचार करने के बाद नारायण त्रिपाठी पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। 2014 में सतना लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय सिंह राहुल भैया नजदीकी मुकाबले में हार गए थे। उनकी हार में नारायण त्रिपाठी ने अहम रोल अदा किया था। यही वजह है कि अजय सिंह किसी भी कीमत पर कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का एक गुट नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में लाने के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के फैसले को ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।